प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 100 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के समूह से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने बच्चों को कुपोषण से बचाने और पोषण की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोषण माह का जिक्र करते हुए कहा कि इस अभियान के दौरान बनाई गई गति धीमी नहीं पड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि पोषण के लिए निरंतर ध्यान और अच्छी आदतों के विकास की आवश्यकता होती है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों देशों के बीच $1 अरब से ज्यादा का व्यापार होने पर नेताओं ने संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने अफगान नेतृत्व, अफगान आधारित और अफगान के नियंत्रण वाली शांति प्रक्रिया को समर्थन दिए जाने की बात को भी दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 3 तलाक को दंडनीय अपराध बनाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि वोट बैंक की राजनीति के कारण राज्यसभा में लंबित विधेयक को पास कराने में सहयोग नहीं किया। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का स्वास्थ्य खराब होने के कारण गोवा में राजनीति संकट पैदा हो गया है। इसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी संगठन महासचिव रामलाल, पार्टी सह संगठन मंत्री बीएल संतोष, श्रीपद नायक, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र तेंदुलकर और वरिष्ठ मंत्रियों से गोवा के राजनीति संकट पर चर्चा की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3 दिन के कार्यक्रम भारत का भविष्य के अंतिम दिन कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम में आए सवालों के जवाब दिए। भागवत ने इस दौरान हिंदुत्व, जाति व्यवस्था, धारा 370, 35A, जनसंख्या नीति, आरक्षण, महिलाओं की स्थिति, अल्पसंख्यक समलैंगिकता, जम्मू कश्मीर और शिक्षा नीति जैसे मुद्दों पर जवाब दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो के खिलाफ उनके लोकसभा क्षेत्र आसनसोल में 2 FIR दर्ज करवाई गई है। मंगलवार को दिव्यांगों के लिए आयोजित कार्यक्रम में बाबुल सुप्रियो ने एक शख्स को टांग तोड़ने की धमकी दी थी, जिसके चलते उनके खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है। बिहार के पूर्णिया स्थित बाल सुधार गृह में कल शाम बाल कैदियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर एक बाल कैदी और हाउस फादर को मार डाला। इसके बाद गोलीबारी का फायदा उठाकर 5 बाल कैदी फरार हो गए। मृतक कैदी पॉक्सो एक्ट में आरोपित था। वहीं भागने वाले कैदियों में 3 हत्या के प्रयास व 2 आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपित बताए जा रहे हैं। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में 8 विकेट से धूल चटा दी है। पिछली बार पाकिस्तान ने भारत को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, लेकिन बुधवार को भारत ने उस हार का बदला ले लिया है। हालांकि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो वह भारत से 2 और मौकों पर फिर सकता है। अमेरिका ने चीन से अपने यहां आयात किए जाने वाले और $200 अरब के माल पर आयात पर ऊंचा शुल्क लगाने की घोषणा की है। इस पर चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए $60 अरब के अमेरिकी सामान पर शुल्क लगा दिया है। इस घटनाक्रम में विश्व की इन 2 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार युद्ध और गहराने का खतरा पैदा हो गया है।